So when Maulana Azad ji took over as education minister in 1947, even the Constituent Assembly had passed the constitution. He was minister from 47 to February 1958. And as the first man, he was assigned the responsibility of navigating the boat. You understand? Once you are on an ocean, you are supposed to navigate your way. And today, much of what we have in the education system, as distinct from the colonial education system, of Maulana Ji's contribution. वाइटल न्यूज 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अनिसुर रहमान। 11 नवंबर 2021 को आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर मौलाना अबुल कलाम आजाद की योम पैदाइश के मौके पर कोलकाता के दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में कौमी योम तालीम का जश्न शयनशान तरीके से मनाया गया। इस अहम मौके पर एक तौसीए खुतबा बानवान मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की जदीद तालीम के मेमार मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर खालिद मोहम्मद सैफुल्ला चेयरमैन एजुकेशन सब कमेटी मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने फरमाई। मौलाना आजाद हिंदुस्तान के जदीद तालीम के मेमार के उन्वान पर तौसीए खुतबा मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड आईएएस श्री जौहर सरकार ने पेश किए। एजाजी जनरल सेक्रेटरी द मुस्लिम इंस्टीट्यूट निशान अहमद ने खैर मुकदमी कलामात पेश किए, जबकि नकाबत के फराइज मोहम्मद शमसु सालेहीन सेक्रेटरी एजुकेशन सब कमेटी ने बहुसन खुमी अंजाम दिया। मेहमान खसूसी के तौर पर जावेद अख्तर आईएएस, मोहम्मद नूरुल इस्लाम फाउंडर जनरल सेक्रेटरी अलेमिन मिसर बनफसे नफीस मौजूद थे। इस अहम मौका पर मोहम्मद नूरुल इस्लाम फाउंडर जनरल सेक्रेटरी अलमिन मिशन को मौलाना आजाद एजुकेशनल अवार्ड बराए फरोग तालीम 2021 से नवाजा गया। So, whenever you look at education today, the higher secondary, secondary, graduate, postgraduate, teachers training, vocational, it is where institutionalized by one man. Anadaji, vocational training or technical training will be part of the main education manager. So, वो कहीं ना कहीं हमारे focus से बाहर है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो भी लोग और इस काम से मुंसलिक है, कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के काम को सीरियसली लिया जाए, जो कि स्किल मैन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम 1947 टू 1958, ठीक है, जिनकी पैदाइश मक्का में हुई, सऊदी अरब में हुई 1888 में, उसके बाद फिर 1890 में उनके वालिद कलकत्ता लेके चले आए माइग्रेट करके, 1912 में उन्होंने अल हिलाल निकाला। मैं आइए और एकेडमीज में आइए तो आपको साहित्य कला एकेडमी है, आप इंडियन कल्चरल एसोसिएशन में मदर जगत साहब बता रहे थे, तो ये बहुत सारे खिदमत है उनके। मनखाय रखते हैं जो हमारा एक देश हमारे भारतवर्ष ये बोलते हमार को लज्जा नहीं जो हम यदि यथाथ भूमिका पालन करते ना परि तेल अधिकार दाबी करब क्यों से अधिकार दाबी करार आगे हमें कर्तव्यता पालन करते हैं। এবং সেই জায়গা থেকে আমরা যখন শুরু করেছিলাম একজন ক্লাস টেনের ছাত্র, প্রথম একটা স্কুল যেটা মাদ্রাসা খলকপুর জুনিয়র হাই মাদ্রাসা শুরু করেছিলাম, এবং তারপরে যখন আমি কলেজে পড়তে আসি তখন আমি এক অধ্যাপকের কাছে পড়তে যেতাম, অধ্যাপক চক্রবর্তী, তিনি আমাকে শ্রী রামকৃষ্ণের কথা, বিবেকানন্দের কথা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোনাতেন।
তিনি একদিন আমাকে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন সিটিতে নামতে নামতে যে নুরুল জীবনে আমি অনেক ছেলে মেয়ে পড়ালাম কিন্তু কেউ আমার কথাগুলো এমন মন দিয়ে শোনেনি সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছে যে আমি সেই স্যারের কাছে গিয়ে কথাগুলো শুনতাম এবং চমকে চমকে উঠতাম এই জন্যে যে আমি